हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स, कैसे हम इस एडिक्शन को अपने आप से दूर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना देखो, हम ना सर्वेंट्स बन चुके हैं मशीन, कैन नॉट लिव अ डे विदाउट मशीन। तो जब तक ये मोबाइल हमारी बात मान रहा था ना, तब तक तो ठीक था। अब अत हर चीज, खाना भी ज्यादा खा लोगे ना तो वो बुरा है। अब अगर आप मुझसे बोलो, मैम चलो बताओ मोबाइल फोन अच्छा है कि बुरा है, मोबाइल फोन से अच्छा कुछ नहीं है, तो यहाँ बैठे बैठे मैं दुनिया के किसी कॉर्नर पे बात कर सकती हूँ, तो कॉल कर सकती हूँ, ऑडियो कॉल कर सकती हूँ एकदम से चुटकियों में। हम से कितने सालों से नहीं मिले उसको अपने पास बुला सकते। मोबाइल फोन ने दूरियां कम कर दी है, राइट। न्यूज, पूरी दुनिया की न्यूज चुटकियों में सबके पास होती है, तब तक तो ये अच्छा है जब तक हमारे काम आ रहा है। पर हम जब इसके आदि बन जाते हैं, बैठे बैठे 10 बार मोबाइल फोन ऑन और ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑन नहीं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर लिया, तब तक उसमें कुछ नहीं है, बस नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, वो होती है लत। जब मैरी क्यूरी ने रेडियम बनाया था, तो रेडियम से आज कैंसर थेरेपी और इतनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, एक्सरे मशीन। पर जब वो उन्होंने रेडियम बनाया था, उनके दीवारों पे पत्थर फेंके गए थे, उनके खिड़कियों पे पत्थर फेंके गए थे, दरवाजों पे पत्थर फेंके, क्योंकि सबने बोला था, क्योंकि लोगों ने क्या किया, उसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए काम आ गए। हर चीज के फायदे तो हर चीज नुकसान है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उन चीजों को अपने फायदे के लिए कैसे यूज, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन्स की। सबसे पहले तो नो टू मोबाइल फोन्स, बिल्कुल नहीं, बैटमैन बोलने आया है, मोबाइल फोन्स यूज नहीं करना है, करना है बट काम के लिए, राइट। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो जैसे वो बच्चे हैं जिन्हें बस एग्जाम तक, अब जून में एग्जाम है, मई में एग्जाम है, तब तक फोन नहीं हाथ लगाना। अच्छा, पहली बात हमेशा ये याद रखना, अगर आप किसी अपनी बहुत प्यारी चीज से एकदम से नाता तोड़ देते हो ना, तो उसकी याद बहुत ज्यादा सताती है ना। अपने वाले से भी ब्रेकअप हुआ, एकदम से बात बंद कर दोगे ना, तो फिर रात रात भर नींद होता है क्या। बट अगर हम धीरे धीरे, वो धीरे धीरे लगाव खत्म हो रहा है ना, तो फिर वी आर ओके, हाँ या ना। किसी चीज के लिए पापा ने बोला चॉकलेट नहीं खानी, तो बस चॉकलेट खाने का मन करेगा। हमने कहा इस दरवाजे के पार नहीं जाना है, तो फिर वो दरवाजा ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्या है उस दरवाजे के पार जिसके पहले हमें मना करा गया है। पहले आप ये समझो कि आपको ये अंदर से इंट्रेंसिक होना चाहिए, कि आप अंदर से आवाज आए कि आपको फोन यूज नहीं करना है। मैं कह रही हूँ एग्जाम तक अपना फोन अपने मम्मी पापा को दे दो, ठीक है। सबसे पहले तो फोन यूज ही मत करो, अपना फोन यूज मत करो, जो भी आपको काम करना है वो पेरेंट्स के फोन से करो, या कोशिश करो ये वाला काम करने की, है ना। जब लेक्चर्स होते हैं तब फोन से अटेंड करो, क्योंकि आजकल तो बच्चों के सारे लेक्चर सब कुछ फोन से होते हैं, कोशिश करो कि पेरेंट्स के फोन। फिर भी अगर आपके पास अपना फोन है तो नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लो, केवल वही ऐप चले जो आपके लिए जरूरी है, उसके अलावा कोई भी ऐप ना चले। YouTube पे जब हम चीज़ें देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एड्स आते हैं, शॉर्ट्स चल जाती हैं, बहुत ध्यान भटकता है। इसीलिए हम जो थोड़े थोड़े पैसों में पेड कोर्स लॉन्च करते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि बच्चों को वो भटकना ना पड़े ना, इधर से उधर नोट्स भी वहीं मिल जाएँ, हम भी वहीं मिल जाएँ, सब कुछ वहाँ मिल जाए, एड्स की कोई झंझट नहीं। अननेसेसरी ऐप्स को तो बिल्कुल डिलीट कर दो यार, अमेज़न से कितनी शॉपिंग कर रहे हो, नाइका मिंत्रा, सब डिलीट डिलीट, अननेसेसरी ऐप्स हैं वो डिलीट डिलीट डिलीट। सारी नोटिफिकेशन म्यूट कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, व्हाट्सएप केवल मम्मी वाला चलाओ, है ना। फोन चाहे अपना वाला रख लो, पर व्हाट्सएप मम्मी का चलाओ। दोस्तों को बोल दो पीडीएफ भेजनी है, व्हाट्सएप पे मम्मी के व्हाट्सएप पे भेजे। इससे क्या होगा, इससे बहुत लिमिट हो जाएगा आपका यूज, बिल्कुल ऐसा छोड़ना नहीं है। अगर कितने दिन छोड़ पाओगे यार बताओ, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता मैक्स, 8वें दिन यू विल बी लाइक अब तो यार चला लो, ठीक नहीं। हमें ऐसा नहीं करना, ब्लॉक्स ब्लॉक कर लो स्लॉट्स को, स्लॉट बुकिंग करो कि हाँ इस स्लॉट में अपन फोन ही यूज करेगा, मूवी देखेगा वाली सीरीज देखेंगे, है ना। स्लॉट बुक करो कि 10 मिनट 20 मिनट, अरे मूवी देखनी है देखो यार, पर क्या 3 घंटे की मूवी एक ही टाइम में क्यों देखनी है, 15-15 मिनट करके देखो, 6 दिन में कंप्लीट करो मूवी, बुरा मान जाएगी क्या। लाइफ खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 6 महीने तुम्हें ऐसे कोने में कोप भवन में रहना है, ना 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 ना, लाइफ चलेगी तुम्हारी वैसे ही, बट अब थोड़ी सी मेहनत अपने लिए करनी है। आज की मेहनत कल रंग लाएगी,
ये बात हमेशा याद रखना, आज की मेहनत कल रंग लाएगी। डन, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म गोल्स। ना अब कुछ कुछ वो वाले लोग हैं जो बड़े हो गए हैं, तो ना मोबाइल से छुटकारा चाहिए, तो नहीं चाहते, जिनके तो स्लेव नहीं बनना चाहते मोबाइल का। हम मोबाइल के स्लेव क्यों है? अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं ऑफिस आई हूँ, मैं 10 लोगों के साथ बैठी हूँ, मैं तो किसी बिल्कुल फोन नहीं चला रही। समझ रहे हो? फोन कब चलाते हैं? जब हम अकेला फील कर रहे हैं, जब हम, अरे यार आजकल की दुनिया में देखे नहीं, आजकल की दुनिया में दोस्त के घर गए हैं, दोस्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, पर वो सारे दोस्त एक दूसरे से फोन में औरों से बात कर रहे हैं। सोशल लाइफ ये बची है हमारी, फोन वाली लाइफ बची है। हमारे आसपास लोग हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है, फोन वाले लोग हमारे लिए जरूरी है। उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। जो इंसान अभी आपके साथ बैठ के आपका नहीं है, वो बाद में आपका कैसे हो सकता है? तो जो बच्चे लॉन्ग टर्म, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड अ हॉबी। जिस टाइम पे आप फोन पे लगते हो, जो टाइम आपका फ्री, तो यूटिलाइज करो ना, कुछ सीखो। एक साल में आपने कितना प्रोडक्टिव अपने आप को किया? आपने गिटार सीखा, आपने कोडिंग सीखी। अरे कोडिंग किसी काम नहीं आ रही है, तब भी सीखो। इससे क्या होता है, दिमाग खुलता है, आपको नई नई प्रोबेबिलिटीज पता लगती है। नहीं पसंद आ रहा, गोल्फ खेलना सीखो, स्नूकर खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कुछ नहीं तो पार्क में जाओ, बैडमिंटन खेलो, वॉकिंग करो, करो, निकलो घर से बाहर। छोटी सी जिंदगी है ना, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी। यूज फोन ओनली व्हेन नेसेसरी, केवल उस टाइम के लिए जब आपको अपनों से कनेक्ट करना है, फोन उसी चीज के लिए होना चाहिए। चेक करनी है कर ली, अपनों से कनेक्ट करना है कर ली। एक हॉबी इनिशियली, देखो हमें जो चीज पसंद नहीं होती ना, वो कभी नहीं कर सकते हम फुल लाइफ टाइम, हम नहीं कर सकते हैं। हमें जिस चीज में मजा आता है ना, वो करने में मजा आता है। जैसे 3 Idiots में फरहान, चाहे 20,000 की खुश रहूंगा, नौकरी चाहे 20,000 की होगी पर खुश रहूंगा। जिस चीज में 2 करोड़ भी मिल रहे हो ना, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस जॉब छोड़कर उन्होंने अपना पैशन फॉलो करा है। जब तक मजा नहीं आ रहा ना कुछ करने में, जब तक फील नहीं आ रही ना, तब तक वो काम करने का मजा नहीं है। हम अपने लाइफ को ऐसे सेटल करते रह जाते हैं कि ठीक है 40 आने पे करेंगे, 50 आने पे करेंगे। जियो तो आज जियो, कल का कुछ नहीं, कल हो ना हो। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, जो बच्चे एग्जाम देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म तो चलो समझ आ गया हमको, बट फोन का आदि नहीं है ना। डाइटिंग भी कुछ पाती है, 7 दिन बाद वही पिज्जा बर्गर खाओ, है ना। पूरे दिन तुमने हेल्दी खाया, एक टाइम चीट रख लो, जितनी देर चीट मिल रही उतना एक्सरसाइज कर लो। कभी भी वो वाली डाइटिंग वो होती नहीं है जो बिल्कुल सबको छोड़ दिया, है ना। जो चीज खा रहे हो उसको हेल्दी खाओ ना। मोमोज खाने हैं ना, उसमें इतनी सारी सब्जियां होती है, आटे के मोमोज खाओ यार, बहुत टेस्टी लगते हैं आटा मोमोज, थोड़ा मैदा डाल लो। तो हर चीज का, पिज्जा खाना है तो पिज्जा पराठा खा लो, चीज हेल्दी, सब्जियां आर हेल्दी, सब कुछ हेल्दी होता है। तो आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसके साथ आपको मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह से फोन एडिक्शन के लिए दूर होना बता दिया है, और आप उसको फॉलो करना, क्योंकि एग्जाम्स एक ही बार ही आता है, बार बार आए तो वो अच्छी बात भी नहीं, आता तो हर साल है, पर अपना तो बेस्ट दे दो, अपना बेस्ट दो, जितना कर सकते हो ना लग के मेहनत कर लो, क्योंकि दिस इज योर टाइम, योर मंथ एंड योर ईयर। तुम्हारा ही समय, दौर भी तुम्हारा होगा, बस हिम्मत करके कदम उठा के तो देखो। तो इसके साथ माय नेम इज आयशा अग्रवाल एंड मी साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो।